हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है किशोर और आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम टॉपिक्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग BSTC के सिलेबस की बात करेंगे, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो BSTC का जो सिलेबस है, जो BSTC का जो पेपर आता है वो 600 नंबर का पेपर आएगा आपका, और 200 क्वेश्चंस आएंगे। 200 क्वेश्चंस आएंगे और 600 नंबर का पेपर आएगा, ठीक है। उनमें से जो पहला जो पार्ट है वो है आपका, पहला जो पार्ट है वो है मेंटल एबिलिटी का, जो कि मेंटल एबिलिटी 150 नंबर की आएगी, ठीक है। और इस मेंटल एबिलिटी में कौन कौन से टॉपिक्स हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए, जो पहले है वो तार्किक योग्यता, ठीक है। दूसरी है एनालॉजी, जो कि दो वस्तुओं की आंशिक समानता या समरूपता, ठीक है। और विभेदीकरण और संबद्धता, विश्लेषण और तार्किक चिंतन, ठीक है। ये है मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक योग्यता, जो कि 50% आएंगे और 150 नंबर के आएंगे आपके, 150 नंबर के, ठीक है। उसके बाद में आता है जनरल अवेयरनेस ऑफ राजस्थान, राजस्थान की सामान्य जानकारी, ठीक है। राजस्थान की जो सामान्य जानकारी है वो भी 50 क्वेश्चंस आएंगे और वो भी 150 नंबर के आएंगे, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं आपको दिए गए हैं, तो इसको इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। हिस्ट्रिकल एस्पेक्ट, जो कि ऐतिहासिक पक्ष जो है, इतिहास के बारे में हमें जानना पड़ेगा, और एक राजनीतिक पक्ष भी हमें जानना पड़ेगा। इसके बाद में कला, संस्कृति, साहित्य पक्ष आदि हमें जानने पड़ेंगे। उसके बाद में इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमिक्स है, जो आर्थिक पक्ष है, उसके बारे में भी हम लोग जानना है, पेपर में आएगा। और जियोग्राफिकल एस्पेक्ट, जो कि भौगोलिक पक्ष है, जैसे राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान की लंबाई चौड़ाई, वैसे राजस्थान की जो अक्षांश है, देशांतर है, उनके बारे में पूछा जाएगा, ठीक है, भौगोलिक पक्ष। उसके बाद में तो लोक जीवन, लोक जीवन में वो लोक जीवन में काफ़ी सारा आ जाता है, जो मटेरियल है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसको आपको पढ़ना है। एक होता है सामाजिक पक्ष, इसको भी आपको पढ़ना है, ठीक है। एक है टूरिज्म एस्पेक्ट, जो कि है पर्यटन पक्ष, जो कि यहाँ पर्यटन, जितने भी पर्यटन होते हैं, मेले होते हैं वगैरह, वो भी आपके यहाँ आएंगे, ठीक है। अगला जो पार्ट है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड, जो कि शिक्षण अभिक्षमता, ठीक है। ये भी 150 नंबर का आएगा और आपके 50 क्वेश्चंस इसमें दिए जाएंगे, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से दिए टॉपिक्स दिए गए हैं इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो इसमें जो शिक्षण अधिगम है, टीचिंग लर्निंग, ठीक है, नेतृत्व गुण, सृजनात्मकता और संप्रेषण, और सॉरी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन और संप्रेषण कौशल, व्यावसायिक अभिवृत्ति और सामाजिक संवेदनशीलता, ठीक है। ये जो है वो है शिक्षण अभिक्षमता के बारे में, ठीक है। तो इसमें भी 50 क्वेश्चन है, 150 नंबर के, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला जो है वो इंग्लिश आएगी आपके, इंग्लिश में क्या आएगा, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आएंगे और आपको 60 नंबर के आएंगे, ठीक है। 50% नहीं, 20 क्वेश्चन आएंगे और 50 है। लैंग्वेज जो है वो 50 नंबर की आएगी, लेकिन इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो 20 नंबर की आएगी, ठीक है। तो इसका जो वो है, कौन कौन से टॉपिक्स दिए गए हैं इसके अंदर, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। कंप्रेहेंशन, स्पॉटिंग एरर्स, नरेशन, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स और कनेक्टिव्स और करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस कंप्लीटेशन और टेंसेज आएंगे, वोकेबलरी है आपके, सिनम्स हैं, एंटीनियम्स हैं और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं और स्पेलिंग एरर्स हैं। ये आपके टॉपिक्स इंग्लिश के अंदर आएंगे। तो ये जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको इस चैनल पे आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। बाद में आप यदि आपको नहीं पढ़ पाते हो तो मैं आपको पढ़वा दूंगा, और आप कहेंगे तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, फिर मैं आपको, आप जिस टॉपिक पे, इन इंग्लिश के जिस टॉपिक पे वीडियोस आते हैं उस टॉपिक पे मैं वीडियो बना दूंगा। और इसके अलावा भी आप कोई टॉपिक्स पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो मैं बना दूंगा, ठीक है।
एक जो है वो भाषा ज्ञान जो है इसमें, या तो हमें संस्कृत, जिसको संस्कृत चूज किया जिसने उसको संस्कृत आएगा, और जिसने हिंदी चूज किया है उसके हिंदी आएगा, ठीक है। तो हम लोग संस्कृत के बारे में जान लेते हैं और उसके बाद में हिंदी के बारे में जानेंगे, ठीक है। संस्कृत का जो है वो है स्वर व्यंजन शब्द रूप पुल्लिंग, और शब्द रूप जो ये शब्द रूप हैं यहाँ दिए हुए हैं, एक धातु रूप, और उसके बाद में उपसर्ग एवं प्रत्यय और संधि दी हुई है, समास दिए हुए हैं, और लिंग एवं वचन दिए हुए हैं, विभक्ति एवं कारक दिए हुए हैं, ठीक है। और हिंदी का जो पार्ट है, इस हिंदी के पार्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई है। शब्द ज्ञान जो है पर्यायवाची शब्द दिया हुआ है, विलोम शब्द हैं, युग्म शब्द हैं, वाक्य विचार हैं, शुद्धिकरण है, और मुहावरे कहावतें और संधि और समास हैं, ठीक है। और संधि और समास पर एक वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। और इसके बाद में प्रत्यय है, वाक्यांश के लिए सार्थक एक शब्द है। तो ये एक छोटा सा या संक्षेप में मान सकते हैं मैंने आपको बताया है। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।